चंबा जिला के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बरसात के बावजूद भी पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। चंबा जिला की सिगीदर पंचायत के भीड़ गांव की बात करें तो यहां पर पिछले कई अरसे से पानी की समस्या बनी हुई है। लोगों को पीने के लिए पानी लाने करीब 2 किलोमीटर सड़क से नीचे पैदल जाना पड़ता है। रास्ते में जंगल होने की वजह से वहां हमेशा ही जंगली जानवरों का भी भय रहता है। यही वजह है कि अक्सर गाँव वाले एक साथ मिल पानी लेने के लिए जाते हैं। गांव में अगर मवेशियों को पानी पिलाना हो उसके लिए भी उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई बार लोगों ने इस समस्या को लेकर विभाग से गुहार भी लगाई है, राजनेताओं के आगे भी गिड़गिड़ाए भी, लेकिन उनके गांव की समस्या जस की तस बनी हुई है। जैसे ही गाँव वालों ने मीडिया को अपने गाँव में इस समस्या दिखाने के लिए बुलाया तो तुरंत प्रशासन हरकत में आया और वहां पर एक 20,000 लीटर की टैंक की व्यवस्था करने का प्लान तैयार कर वहां पर अधिकारियों को भेज दिया, जिससे गाँव वालों में एक आस बंध गई है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पीने के लिए पानी अगर उन्हें लाना हो तो उन्हें 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। रास्ते में जंगल होने से वह भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके मवेशियों के पानी के लिए भी उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है। लोगों ने मीडिया का धन्यवाद करते हुए कहा कि मीडिया की टीम गांव में आई तो तुरंत प्रशासन हरकत में तो आया है, लेकिन उन्हें नहीं लगता है कि अभी तक किसी तरह का कोई ठोस उपाय उनकी समस्या का समाधान करने के लिए किया जा रहा है। गांव वालों ने एक बार फिर विभाग से आग्रह किया है कि जल्द से उनके गांव में पानी की समस्या को हल किया जाए ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सर, समस्या हमें पिछले 2-3 साल से यही आ रही है कि पानी की बहुत समस्या है और ये कम से कम हमें महीने में 1-2 बार पानी आता है बड़ी मुश्किल से। और सर, इसके बारे में हमने IPH विभाग में भी कंप्लेंट की बहुत बार और CM हेल्प केयर नंबर जो उस पर भी की, मगर सर जब मीडिया आया तो थोड़ा टैंक टूक बनाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, मगर पता नहीं अब कब बनाते हैं ये। जी सर, 2 साल पहले हमने जन्मच में ये मुद्दा उठाया था कि हमें पानी की बहुत दिक्कत है, मगर उसके बाद भी कोई इसका सलूशन नहीं हो पाया। हमें सर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। एक्चुअली बच्चे जब स्कूल को जाते हैं तो उनको पहले पानी भरना पड़ता है, उसके बाद स्कूल को जाना पड़ता है। हमने CM हेल्पलाइन और जनमंच पे भी कंप्लेंट की पर कोई मतलब इसकी कोई मूवमेंट नहीं आई। फिर जब आर्य टाइम्स के लिए चुवाड़ी से भूषण गुरंग की रिपोर्ट।